देश की जनता इस समय अतिवृष्टि से हुई भारी तबाही का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके सभी मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती है और उनके परिवार वालों को दुख की इस स्थिति में इस दुख को सहन करने के लिए भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करती है कि उनको शक्ति प्रदान करें। हमें इस आपदा को इस दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन करना आवश्यक है कि सटीक जानकारी होने के बावजूद क्या हम जान माल की सुरक्षा करने में कामयाब रहे, क्या सरकारी तंत्र ठीक से काम कर पाया, तो इसका भी अध्ययन जरूरी है। और जो आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड में बना है, जो आपदा प्रबंधन समिति बनी है, वो क्या काम कर रही है, इसकी भी जानकारी जनता को होनी बहुत आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्राकृतिक तौर पर आपदा प्रभावित पर्वतीय राज्य में आता है, जहां पर समय समय पर अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, अतिवृष्टि, अति हिमपात, अति ओलावृष्टि या अन्य सभी प्रकार के जो आपदाएं हैं यहां पर आती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी और मौसम विभाग भी अपना काम ठीक ठाक कर रहा है। कई दिन पहले इस आपदा की जानकारी हमें मिल गई थी, लेकिन सरकारी तंत्र उस हिसाब से राहत नहीं पहुंचा पाया जिस हिसाब से राहत पहुंचानी चाहिए थी। हम कभी ये नहीं सुनते कि जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन समिति है उनकी कोई बैठक होती है, या जो NDRF SDRF की टीमें हैं जिनका सेना की तर्ज पर मॉक ड्रिल होना चाहिए कि राहत में कैसे काम हो, कभी वो मॉक ड्रिल यहाँ पर हुआ नहीं। जो सरकार की तरफ से प्रबंधन समिति बनी है उस समिति ने कभी अपना काम नहीं किया, कभी कोई बैठक नहीं की। तो हम देख रहे हैं कि जिसका नतीजा आज हमारी राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं कि उन्होंने मृतकों को मुआवजा देने की बात कही है, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा राशि उन लोगों के खातों में चली जाए, उनके परिवारों के खातों में चली जाए, ताकि उनको राहत मिल सके। और साथ ही जो किसान आज तबाह हो चुके हैं, किसानों की लगभग 90% फसल आज बर्बाद हो चुकी है इस कमर तोड़ महंगाई में, वैसे ही जो कृषि लागत मूल्य है काफ़ी बढ़ गया है, उसके बावजूद अब नई फसल किसान को बोनी है और ऐसे में पुरानी फसल का तबाह होना किसानों की कमर टूट चुकी है, किसान आज हताहत हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, बहुत सारे जिलों में किसानों की फसलें पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है, ऐसे में किसानों को राहत देना बहुत आवश्यक हो चुका है। उधम सिंह नगर की बात अगर हम करें तो 40,000 कृषि हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित हुई है, धान की फसल को भी इस आपदा में बड़ा नुकसान पहुंचा है, किसानों के लिए बड़ा संकट का समय है, उनकी सब्जियां नष्ट हो गई हैं। और अब ऐसे में किसान अगली फसल कैसे बोएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पूरे नुकसान का आकलन करते हुए किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह से भरपाई करके सरकार किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दे। हम धामी सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार किसानों को 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दे रही है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी किसानों को मुआवजा दे, और पहाड़ों में खासतौर पर बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं वहां पर यह मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए, क्योंकि छोटे खेत हैं, दो दो तीन तीन चार चार नालियों के किसान हैं, उनकी पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं। तो पूरे नुकसान का आकलन करते हुए सरकार को चाहिए
कि जल्दी से जल्दी राहत पैकेज किसानों को उपलब्ध किया जाए। और हम सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि कम से कम 10,000 करोड़ का राहत पैकेज अविलंब उत्तराखंड की इस आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार जारी करे और राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इस पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए टीमें लगाए और आकलन करने के बाद सरकार जल्दी से मुआवजा उन किसानों को दे, उन मृतकों को दे जो अपनी गांव, जो अपनी जान इस आपदा में गंवा चुके हैं। आज हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं क्योंकि आपदा का समय है। हमारे सभी कार्यकर्ता, क्रांतिकारी साथी, हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आदेश के बाद पूरे धरातल पर हैं, जहां पर टीम पूरी तरह से काम कर रही है। हमारे सभी साथी आज आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाने में लगे हैं और हम सरकार के साथ साथ इस आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी क्रांतिकारी साथी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपदा के इस समय में जो अपना घर छोड़ के आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।